माँ बाप लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की अनपढ़ ही रहती है, पर ये कहानी कुछ अलग ही है। आज मेरे छोरा को 3 बरस हो गए ब्याह हुए और आज गोना के ताई वो अपने बहू को लिवाने ले जा रहा है। मुँह को एक बात को डर चे। अरे छोरा ललुआ आया जीजी। आ छोरा, छोरा तैयार हो गया तू? छोरा एक काम करियो, यादा तो वहाँ बोलियो नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे बाप ने तो झूठ बोल के समधिन के आगे ब्याह करा दियो है, और मेरे गैल जब ब्याह करने आया था तब भी झूठ बोलो था, तो मोको डर थे कहीं हमारी नाक न कट जाए। तो हमारी नाक मत कटाइयो, माँ ने तो बोल दी कि तू 10 जमात पास है, छोरा तू तो 1 जमात भी ना पास है। मारो है दामाद निरालो, कोई ऐसो ढूंढ निकालो। मारो है दामाद निरालो, कोई ऐसो ढूंढ निकालो। सबके पीछे पड़े दामाद, अरे मारी सास को घर पता है? अरे भाई तू कौन है? हमें लाजू को लेना आया हूँ, लाजो को। लाजो को? जी जी मारो दिल्ली वाले जीजो आ गयो। आ गयो, आ गयो। अरे चले रे, चले 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 चलो चलो, तू बाकी लाओ मुझे, चलो चलो। जीजा जी मारो, जीजा जी आयो रे, मारी दीदी को लेवा आयो। मारो जीजा जी आयो, मारो दामाद आयो रे, मारी छोरी को लेवा आयो। मारो दामाद आयो रे, मारी छोरी को लेवा आयो। मारी सास कौन है? मैं ही छू थारी सासू जी। हिलो सासू जी। अरे कल्ली मैं तो हिलवा को करे, हिलो रे हिलो, दामाद राज जी कह रहे हैं। दामाद राज जी ये कब तक हिलना पड़ेगा? ए इंग्लिश है, अंग्रेजी दिल्ली की। इंग्लिश है इंग्लिश, हमको का ही पता। बैठो दामादा जी बैठो। कल्ली और धन्नी और पप्पू तू अपने जीजा से अच्छी अच्छी बात करो, पढ़वा लिखवा को। ईसो ईसो कौन तुम्हारा जीजा? पूरी 10 जमात पास है, 10 जमात। और मैं यहाँ को खा पिया को इंतजाम करूँ जो। हाँ अच्छी अच्छी बात करो। जीजा जी अब मैट्रिक पास है ना, एक पहेली मैं बूझू, एक पहेली मैं बूझू। हाँ पहेली तुम बूझो, हाँ पहेली तुम बूझो। हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती झड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बताओ ना जीजा जी। दुशाला ओढ़े खड़ी थी? हाँ दुल्हन। नहीं बना जी, नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। नहीं बना? हाँ जीजा जी। कटोरे पे कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा। कटोरे पे दो कटोरे। नहीं बना जी, नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। नहीं बना? नहीं बना जीजा जी। मैं अपनी दीदी से एक पहेली अभी लिखवा के लाती हूँ। ये लो जीजा जी, हमारी दीदी की पहेली पढ़ के सुना दो। सुनाओ ना जीजा जी। सीधा तो पकड़ लो, दिल्ली में उल्टा भी पकड़ लेते हैं। तो फिर
जल्दी जल्दी पढ़ो ना, पढ़ो ना, पढ़ो ना, पढ़ो ना, पढ़ो ना, पढ़ो जी, पढ़ो ना जी, पढ़ो ना जी, दामाद जी, जे सब इतना कह रहे पढ़वा को, तो तरह पढ़ दो ना, मारा दिल भी खुश हो जाएगा। अब तो जीजी ने भी कह दिया। हाँ जी। हाँ। मारी माँ ने बोला, बीच में कोई चीज पड़ेगा तो सारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हाय राम, हमने तो नहीं सुनी है, विद्या एक ऐसा धन है, जितना बाँचो, जितना पढ़ो, बढ़ता ही जाता है। यह बात तो समधन की गलत है। तरक पढ़ दो दामाद राज जी, मन खुश हो जाएगा। पढ़ो ना जीजा जी, पढ़ दो दामाद राज जी। रोबा की काई बात है, तुम तो हार रहा हूँ। दामाद राज जी, हमने काई को गलती कर दी। मुझे पढ़ना नहीं आता। जीजा जी, अरे तुम कहाँ गए हो? तुम भी रो रहे हो, जीजी भी होश हो गई। अरे होश में आ जा जीजी। अरे अब होश में आवा को रह काई गए हो। दामाद राज जी, अगर तुमने दसवीं कौन करी तो मडिल तो पढ़े होगे। नहीं जी। वहाँ भी कौन पढ़े? पांचवी जमात तो पढ़ी होगी। नहीं जी। अरे कभी स्कूल तो गए होगे? हाँ जी। वादिर कुछ तो सीखो होगो दामाद राज जी। अरे सीखो कहे ना, थोड़े वहाँ मास्टर किया। मारी राजंती की किस्मत फूट गई छोरी। खैर दामाद राज जी, जो होना था सो तो हो गया। मारे ये गांव में सारी बिरादरी में नाक कटनी सो तो कटी गई, लेकिन मारी राजंती सुनेगी तो वह तो रो रो के बावली हो जाएगी कि वहां को घर वालों पढ़ो लिखो देन। सास जी मैं जा रहा हूँ। अरे दामाद राज जी, अब जा कहाँ को रहे हो? मैं पढ़ के आऊंगा फिर ले जाऊंगा राजंती। अरे छोरी सुनेगी तो बावली हो जाएगी, वहां को साथ ही ले जाओ। अब तो मने माफ करो मारी बड़ी सास जी, अब तो मने माफ करो मारी अच्छी सास जी, पढ़ लिख के बनूंगा अच्छो दामाद जी, पढ़ लिख कर बनूंगा अच्छो दामाद जी। छोड़ो छोड़ो बातें सारी मारे दामाद जी, छोड़ो छोड़ो बातें सारी मारे दामाद जी, पढ़ो लिखो फलो फूलो ले लो आशीर्वाद जी, पढ़ो लिखो फलो फूलो ले लो आशीर्वाद जी। दीदी थारो साथ देगी ना करो विचार जी, दीदी थारो साथ देगी ना करो विचार जी, अब तो जरा मुस्कुरा दो। हाय दामाद राज जी, मुस्कुरा दो तनक सबका दिल अच्छा हो जाएगा। अब तो जरा मुस्कुरा दो जीजी के सरताज जी, अब तो जरा मुस्कुरा दो जीजी के सरताज जी। छोड़ो छोड़ो बातें सारी मारे दामाद जी, छोड़ो लिखो पलो पुलो ले लो चोरी साथ जी। राजंती, सास को अपनी माई समझियो अच्छा, और देवर को अपना भाई, सबके साथ अच्छी रजो आओ। रोवा की कोई बात कौन, होली में तो कुछ जल्दी लिवा लाएंगे। अच्छा तर भैया आएगा पप्पू लिवावा को जा। इस कहानी के अंत में समस्या हल हो गई। माँ ने अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरी कोशिश की कि ललवा दामाद पढ़ लिख जाए। माँ तो बच्चा पैदा होने के साथ ही बड़े प्रेम से उसके विकास के लिए ध्यान देती है, पर शारीरिक विकास भी बहुत जरूरी है और इसमें कुछ कुछ बातों के ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आइए डॉक्टर कामले से पूछें कि वे कौन कौन सी बातें हैं। हर एक माता जब अपने बच्चे का लालन पोषण करती है तो उसे जरूरी है कि अपने बच्चे का हर महीने में वजन लेना चाहिए, क्योंकि वजन लेने से उसको पता चल सकता है कि अपने बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है या उसमें कुछ गड़बड़ है। कभी कभी बच्चा बीमार हो जाए तो उसका वजन कम हो जाता है, और जब बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उसका वजन ठीक तरह से बढ़ता जाता है। मैं आपको एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ, इसको वेट कार्ड बोलते हैं, और इस कार्ड में हर महीने बच्चे का वजन लिया जाता है और वो इसमें लिखा जाता है। जैसे कि इस कार्ड में यहाँ इस बच्चे का नवंबर का वजन है 11.5 किलो है, उसके बाद दिसंबर का वजन उसका कम हो गया 11 किलो है, और फिर जनवरी में उसका वजन 11 किलो है। इसका वजह यह है कि उसको डायरिया हुआ था। इसके अलावा और भी दो महत्वपूर्ण बातें अपने को पता चलती हैं, जैसे कि यहाँ पे
एक माँ अपने बच्चे को पहले दिन से दूध पिला रही है। माँ का दूध बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे जो प्रतिकार शक्ति है इससे वजह से बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती। उसके बाद बच्चा जब 4 महीने का हो जाता है उसको सब्जी का पानी, दाल का पानी दिलवाना जरूरी है, उससे भी उसकी सेहत अच्छी रहती है। बच्चा जब 6 महीने का होता है उस वक्त भी उसको चावल, दाल, सब्जी, अंडा देने की ज़रूरत है। इस तरह हम बच्चे के आहार को अच्छी तरह से संभालें तो उसका आरोग्य ठीक तरह से बढ़ता है। इसके अलावा भी इस कार्ड में बच्चे को हमने कब BCG दिया है, कब ट्रिपल पोलियो दिया है, उसकी भी जानकारी दी हुई है। और कभी कभी बच्चे का वजन लगातार 3 महीने कमती होने लगा तो माँ ने बच्चे को अस्पताल लेके जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाके उसको पता लग सकता है अपने बच्चे का वेट क्यों कम हो रहा है। चार बजे रात के नुस्ता निकल भर चाय बना था, रोटी बना था, सब्जी सा चावल वाला सब कुछ बना था। तो और इधर सामने में हम ना जात के काम करते 24 घंटे के संग में आके अपन बाल बच्चा भी गला देते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में एक इलाका है दल्ली राजहरा। यहाँ पर औरतें अपने घर का सब काम करके मर्दों के साथ लोहे की खदानों में काम करती हैं। इन लोहे की खदानों में हजारों मजदूर ठेकेदारों के नीचे काम कर रहे हैं। कई वर्ष पहले तक इन खदान मजदूरों की दशा बड़ी शोचनीय थी। इनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी और भी किसी प्रकार की कोई सुविधा इन्हें नहीं मिलती थी। सन 77 में एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों ने अपना नया संगठन CMSS यानी छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ बनाया। महिलाओं को और पुरुषों को जो वेतन मिलता है उसमें कोई फर्क है कि बराबर मिलता है? बराबर काम करते हैं, बराबर मिलते हैं। दोनों का पसीना एक सांस चूना चाहिए। मर्द सब बल नहीं रहते तो भाई लोग घन धरते हैं और तोड़ते हैं पत्थर और लड़ते हैं दोनों के दोनों। तब फिर माल जुड़ता है तो उसमें ट्रक में भराते हैं और पेश करते हैं, तब तो भलाई कारखाना वहाँ चालू है और उत्पादन होता है। औरतें और मर्द बराबर काम करते हैं, औरतें पत्थर तोड़ती हैं तो मर्द ट्रक भरवाते हैं, दोनों की कमाई भी बराबर है। पुरुष के साथ साथ आप भी हर लड़ाई में भाग लेते हैं? हर लड़ाई में भाग लेते हैं। आगे कौन रहता है? आगू महिला लोग रहते हैं और पीछे बाद में? हाँ, पीछे मर्द लोग रहते हैं। कभी दुरुग लेक थे, कभी भिलाई लेक थे, कभी नाहन गांव लेक थे, जुलूस होते, हड़ताल होते, यहाँ जाकर हम महिला लोग लड़ाई करते हैं। अच्छा। आगे में सुने तो वहाँ का कहते 3 किलाफ जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, लड़ने वाले खाने वाले लड़ने वाले, ऐसे करके वहाँ नाराबाजी देता हूँ। इस संगठन में औरतें भी उतनी ही जागरूक व सजग हैं तथा किसी भी आंदोलन या मोर्चे में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इन मजदूरों का संघर्ष मुख्य रूप से 2 मांगों को लेकर है। पहली तो यह कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए और खनन का कार्य सरकार द्वारा करवाया जाए ताकि ठेकेदारों के शोषण से उन्हें छुटकारा मिल सके। दूसरी मांग बढ़ते मशीनीकरण के खिलाफ है जो मजदूरों को बेरोजगार कर देती है। जिन्दावाद, जिन्दावाद, जिन्दावाद।
कभी कभी हड़ताल करते अपनी मांग को लेकर, जैसे अभी ये कुकान खान वाले कर रहे हैं ना जी, तो जब हड़ताल करते हैं तो आपका खर्चा कैसे चलता है? हमारा खर्चा हड़ताल कर लेते हैं ना, तो अभी काम करते हैं हम लोग, तो सभी पैसे का तो नहीं खाते हैं, कुछ पैसा खा लेते हैं, कुछ पैसा जमा करके रख लेते हैं, या घर में धान को दो भी लेकर के रख लेते हैं और उसी को कुटा कुटा कर खाते हैं। जब आंदोलन करते हैं तो भाई लोग भी उसमें साथ देते हैं? हाँ, भाई लोग भी साथ देते हैं, क्योंकि अपन यहाँ मिलजुल करके भाई और बहन हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या है कि कहीं भी हम लोगों को आंदोलन चलाना है तो भाई और बहन मिल के हम लोग आंदोलन चलाते हैं। इस संगठन का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास के लिए संघर्ष करना ही नहीं है, बल्कि मजदूरों और उनके परिवार के स्वास्थ्य व शिक्षा की ओर ध्यान देना भी है। मजदूरों की अपनी बचत और मेहनत का नतीजा है शहीद अस्पताल और प्राथमिक विद्यालय। जब से हमारी यूनियन बने हैं और जब से हम लोग एक एक कानून अपने हक ले रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, तो मिल जाते हैं किसी को 1600, 1700, 1800, 2000, 2500 तक से भी, यानी जेच की पैसा, हम लोग जेच की पैसा बोलते हैं, वो मिल जाते हैं जच्चा को पैसा। बहनों लोगों की सब तकलीफ के लिए अपना हॉस्पिटल बनवाए हैं कि पहले, क्योंकि ठीक से इलाज नहीं होता था हम लोगों का, इसीलिए हॉस्पिटल हम लोगों ने बनवाया है अपना मजदूर भाई लोग एक दो दो पैसा चंदा करके, क्योंकि क्या है कि बीएसबी में हम लोग जाते हैं पहले तो हम लोगों का इलाज वहाँ जल्दीबाजी नहीं होता है। ये तीन स्कूल चल रहा है तो स्कूल को चलाने के लिए पैसा वगैरह सब कहाँ से आता है? हम ही लोग मजदूर लोगों ने हम लोग सब एक दो दो पैसा अपना चंदा दे के सब चीज के लिए अपना मजदूर है, तो इसीलिए हम लोग ने संगठन बनाए हैं कि अपना कोई भी तकलीफ अपने भाई या बहन को कोई भी तकलीफ ना हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं अपना चार पैसा अपने घर के खर्चा करते हैं, तो एक पैसा अपन यूनियन का चंदा देकर अपना कोई भी हो काम हम लोग कर लेते हैं। यहाँ की औरतें शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी उठ खड़ी हुई हैं। हम तो हाँ कमती नहीं रहा नौकर जुलूस हड़ताल में, तो हम हजार आदमी ला तो डरन नहीं, तो अपन पति घर नहीं डरन, अब काबर नहीं डरन, अपन कानून में हम रहो, तो हम कहन कि एला शराब ला हम ना बिल्कुल छोड़ेंगे, शराब से हमारा कोई हासिल नहीं है, ना हमारे बाल बच्चा बर पछे बन सके, ना हमारा कोई गुजारिश नहीं कर सके, इमें दो चटकन मार भी खाथन और गाली भी खाथन और दुनिया से बदनाम भी होता, तो एक से हम बचेंगे तो बन जाए इसका इसने बहन बहन। आपके कहने से शराब छोड़ दिया? छोड़ दिया जी, एक अकेली औरत तो रोक नहीं सकती। नहीं नहीं, दारू के बारे में हमन खुद भूख हड़ताल बैठे रहे, हड़ताल भाई भी बैठे रही से और पुरुष भी बैठे रही से, कहते करो मन भट्टी है ना ओकर चौक में देकर बैठे रही है, मत पियो मत पियो के चार पांच दिन भूख हड़ताल महिला पुरुष बैठे रही है, हम माने तब तो भाई अब कैसे कर किसी जान ल थोड़े मार दे। दल्ली राजहरा में लंबे संघर्ष ने यहाँ की महिलाओं को सिखा दिया है कि संगठित ताकत ही उनके जीवन को बेहतर बना सकती है।